ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद के सुरौली गौसपुर क्षेत्र की तस्वीरें हैं। इस वक्त की एबीएन24 पर आपको सबसे पहले बता दें कि जिलाधिकारी डॉक्टर राधा सिंह व अपर जिलाधिकारी संदीप गुप्ता, उप जिलाधिकारी प्रदीप पाल सिंह चौहान के साथ सरयू नदी के कहरनपुरवा टेपरा कोरी भोनी कोन इटुहुआ पूरब में बाढ़ खंड बाराबंकी द्वारा नदी का कटान रोकने व स्प्रो कार्य के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे और सत्या सोमवार को जिलाधिकारी सबसे पहले कहरनपुरवा पहुंचे थे निरीक्षण करने। आप तस्वीरें देखते हैं हमारे स्क्रीन पर किस तरह से फिलहाल आपको जल के पर लाइन पाइन कार्य पहुँच कर जाँच भी किया और निरीक्षण भी किया। फिलहाल जिलाधिकारी इनके गाय सुनते हैं कहाँ निरीक्षण किया है और बाढ़ आने वाली है क्या क्या प्रशासन द्वारा इसके इंतजाम किए जाने। आज का मुख्य निरीक्षण सिरौली गोसपुर तहसील में जो हमारा सनावर राजस्व ग्राम पड़ता है उसके जो मजरे हैं जो कि हर साल सर्वाधिक उनमें प्रभाव पड़ता है बाढ़ का कटान का दोनों का वहाँ पे किया गया है और यहीं पे हमारे बाढ़खंड बाराबंकी द्वारा 5 स्परों का और पॉपीपाइंस का निर्माण किया जा रहा है। और अभी हम लोग जिस गाँव में खड़े हुए हैं टोबा पूरब गाँव जो कहलाता है इस समय सबसे संवेदनशील यही स्थिति है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी करीब आ चुका है बंदे के और रात दिन 24 घंटे के लोग प्रयास कर रहे हैं स्पर निर्माण का। थोड़ी बारिश ज़्यादा हो रही है उससे थोड़ा सा जो है गति में कमी आ रही है लेकिन फिर भी लगे हुए पूरा प्रयास कर रहे हैं। पॉर्क्यूपाइन सब लग गई हैं उससे थोड़ा कटान भी रुक गई है और पूरा हम लोग प्रयास करेंगे कि बाढ़ जब आएगी तो हमारा बंधा जो है वो बचा रहे। तो बाराबंकी जनपद के जिलाधिकारी डॉक्टर राधा सिंह की बातें सुनकर के आप थोड़ा बहुत माजा तो समझ ही गए होंगे। फिलहाल बाराबंकी जनपद से उत्तर प्रदेश के लिए एबीएन24 की ब्यूरो रिपोर्ट। इससे तमाम खबरों के लिए एबीएन24 को सब्सक्राइब करें।